दोस्तों दोस्तों एक भाई कमेंट था कि 400 से 500 फीट गहराई है तो कौन सा पंप लगाएं। दोस्तों ऐसा है, 400 से 500 फीट गहराई एक अच्छी बहुत ही ज्यादा गहराई होती है। इसके लिए आपको एक बेस्ट मोटर मतलब ज्यादा एचपी चाहिए। ऐसा है दोस्तों, अगर आप एक बात समझाता हूँ आपको, अगर आपकी कोई भी 10 एचपी की मोटर 100 फीट भी लगी, अगर वही 10 एचपी की मोटर आप 400 फीट में डालेंगे तो दोस्तों आपको वो बहुत पानी मतलब जितना पानी 100 फीट पे दे रही उतना नहीं दे पाएगी। रीजन ऐसा है कि 10 फीट के ऊपर उसके पंप लगे हुएंगे 3, और आप जहां पर 400 500 फीट जाएंगे तो आपको कम से कम 10 स्टेज का पंप लगाना है, और 10 स्टेज का पंप जब लगेगा तो मोटर पर दाब बढ़ेगी, मोटर पर दाब बढ़ेगी और ऊपर पानी फेंकना है तो मोटर पंप दोनों जो है सिस्टम क्या है थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा तो पानी कम मिल पाएगा। तो यही चीज होती है, मैंने आपको कई वीडियो में समझाया तो किस तरह से आप लोड को कम भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया। बट दोस्तों अगर 400-500 फीट गहराई है तो आपको एक बड़े एचपी की मतलब अच्छा पानी चाहिए, तो कम से कम 15 एचपी मोटर लगाएं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा जमीन है तो आप 20-25 एचपी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके 12 इंची या 10 इंची बोर है तो V8 मोटर लगाएं, अगर वोल्टेज फुल आ रही है। अगर वोल्टेज कम आ रही है तो V6 पंप लगाएं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, और V8 का पंप लगा लें। दोस्तों किसी भी मोटर जो सेम कंपनी की, जैसे मान लीजिए उदाहरण मानता हूँ कल सी या फिर टैक्समो, कोई भी बढ़िया लूबी मतलब कोई भी एक अच्छी कंपनी ले लीजिए, उसी का V6 का पंप लीजिए, उसी के ऊपर V8 का उसी कंपनी का मॉडल का पंप लग जाएगा V8 का। ऐसा V6 और V8 का कंक्लूजन क्यों बनाया जाता है, रीजन ऐसा है दोस्तों, जहां पर वोल्टेज का, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हर जगह पूरी वोल्टेज नहीं मिल पाती, जहां पर कम वोल्टेज मिल रही है वहां पर आपको V6 की मोटर उसके ऊपर V8 का पंप लगाना होगा, ताकि आपको पानी भी ज्यादा मिल पाए और आपका लोड भी नहीं बढ़े। लोड अगर मोटर बढ़ाती तो उसमें नुकसान कहां होता है, एक तो लाइट का बिल ज्यादा आता है, हर समय लाइट का बिल ज्यादा, दूसरा मोटर की जो मतलब लोड बढ़ेगा तो उसकी उम्र कम हो जाएगी, क्योंकि मोटर हर समय दबती हुई चलेगी। मतलब नॉर्मल बात है, जब किसी बंदे पर बोझ रहता है तो वो उतनी लॉन्ग टाइम नहीं चल पाता जितना कि एक फ्री माइंड बंदा, वही चीज होती है किसी मोटर के ऊपर। तो ये बात विशेष ध्यान रखिए, 400-500 फीट की गहराई के लिए कम से कम आपको 15 एचपी से प्लस जाना है, ताकि आपको अच्छा पानी मिले। अगर आप किसी घरेलू काम या थोड़ी सी जमीन को 1-2 बीघा के लिए कर रहे हैं तो हाँ आप 7.5-5 एचपी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। घरेलू है तो 1 एचपी भी लगा लीजिए, कोई चक्कर नहीं। पर ये विषय ध्यान रखिए, अगर खेती के लिए आप स्पेशली मोटर लगा रहे हैं तो 15 एचपी से प्लस जाएं, ताकि आपको एक अच्छा पानी मिल पाए। अगर आपको कंपनी की बात भी बता दूं कौन सी बेस्ट कंपनी है, 3 कंपनियां ले लेते हैं, बेस्ट कौन कौन सी है। पहले नंबर पर मैं दूंगा कलसी, दूसरे नंबर टैक्समो, तीसरे नंबर लूबी। ये तीनों बेस्ट कंपनियां। अगर इससे आप हाई प्रोफेशनल मोटर जो कि थोड़ी सी महंगी आती है, ये थोड़ी सी बढ़िया मतलब वाइंडिंग के साथ आती है, तो किर्लोस्कर, क्रम्पटन मतलब इन मोटर के साथ भी जा सकते हैं। बट एक मिडिल क्लास के अंदर बात करें तो बेस्ट मोटर है जो कि कम रेंज मतलब कम प्राइस में भी आपको अच्छी चीज़ दे पाते हैं। जैसे कि किसी मोबाइल की कंपनी की बात करें, जहाँ पर ब्रांड जैसे एप्पल या कोई दूसरा ब्रांड भी ले लिया, आईको, वीवो, ओप्पो, ये मतलब इतना प्रोडक्ट मतलब क्वालिटी तो देते हैं बट पैसा भी बहुत लेते हैं। और वहीं पर देख लीजिए इन्फिनिक्स, रियलमी, आईको, ये जो कंपनी होती है कि स्पेसिफिकेशन भी अच्छी दे देती है और कम रेंज में भी दे देती है। जैसे पोको मतलब ये 4-5, उसी तरह से मोटर्स में होता है जो कि आपको एक कम रेंज में भी एक अच्छा चीज़ मतलब क्वालिटी दे पाती है, वो है लूबी, टैक्समो, कलसी, जो कि काफ़ी कम प्राइस में एक बढ़िया चीज़ दे पाती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आए हो पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।